तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड स्वागत है सभी का फिर से एक और न्यू वीडियो में। तो काफी सारे बंदे मेरे को वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे थे कि राहुल भाई प्लीज एक और न्यू वीडियो बनाओ टीवीएस स्प्लेंडर 125 सीसी के ऊपर, बिकॉज इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बताया था जिसमें 5 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो वीडियो पे आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिखाया एंड उसमें भी 75,000 व्यूज हो चुके हैं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया गाइस। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड उसके बाद गाइस काफी सारे बंदों ने बोला कि प्लीज 5000 किलोमीटर्स पे हमें एक रिव्यू वीडियो चाहिए, हाँ होनेस्ट रिव्यू वीडियो। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, बिकॉज अगर आप लोग टीवीएस स्प्लेंडर 125 सीसी खरीदना चाहते हो 2024, तो आप लोगों को ये वीडियो एंड तक वॉच करना होगा। 2024 में कौन कौन बंदा टीवीएस स्प्लेंडर 125 सीसी खरीदना चाहता है मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि काफी सारे बंदे ना टीवीएस स्प्लेंडर 125 को चूज कर रहे, तो वो बंदे प्लीज मुझे कमेंट में बताना। एंड अगर आप लोग खरीदने चाहते हो तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच करो, क्योंकि 7 मंथ्स को मैंने इस बाइक को यूज किया एंड अभी तक यहाँ पे ना टोटल 5000 किलोमीटर्स कंप्लीट होने वाले मेरे, यानी कि जब तक ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा मेरा 5000 किलोमीटर्स के ऑफ हो चुका होगा। तो आप सभी प्लीज इस वीडियो को एंड तक वॉच करो, क्योंकि आप लोगों को ना मैं अपना होनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ, एकदम पक्का वाला रिव्यू देने वाला हूँ। तो आप लोगों को इस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करो एंड आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, कि आप लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, किन बंदों को ये बाइक लेनी चाहिए एंड किन बंदों को ये बाइक नहीं लेनी चाहिए, एंड बेटर ऑप्शन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इससे अच्छा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करो, एंड तक वॉच करने के बाद अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि काफी सारे बंदे ना वीडियोस को एंड तक तो वॉच कर लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते भाई। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, उसका पैसा नहीं लगता। सो बढ़ते हो वीडियो में आगे की ओर। तो गाइस ये है मेरी ऑल न्यू टीवीएस रेडर 125 सीसी, जिसे मुझे लिए हुए 7 मंथ्स हो चुके हैं एंड अभी तक मुझे कैसा लगा इस बाइक को चलाकर, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बाइक के पावर के बारे में, सेकंड हम बात करेंगे इस बाइक के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, यानी कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है, एंड उसके बाद हम बात करेंगे इस बाइक के माइलेज के बारे में, मतलब कि अभी ये बाइक मुझे कितने की माइलेज दे रही है, एंड फोर्थ हम बात करेंगे इस बाइक के हैंडलिंग के बारे में, एंड फिफ्थ नंबर जो है वो हम बात करेंगे इस बाइक के मतलब मुझे कैसा लगा इस बाइक को चलाकर उसके बारे में, मतलब मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को लेनी चाहिए या फिर ये बाइक नहीं लेनी चाहिए उसके बारे में मैं बात करूंगा, एंड आप लोगों को कुछ बेटर ऑप्शंस मैं आप लोगों को दे दूंगा, एंड किन लोगों को लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे किलोमीटर्स दिखा देता हूँ, क्योंकि काफी सारे बंदे बोलते हैं यार कि फेक वीडियो वगैरह बना रहे हो, तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे आप देख सकते हो कांटा 4698, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 4700 किलोमीटर तक ये बाइक चल चुकी है, जब तक ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगी तब तक तो यार 5000 किलोमीटर आराम से चल जाएगी। तो गाइस इसीलिए मैं ये 5000 किलोमीटर्स ऑनरशिप रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कुछ अच्छा बता सकूं, क्योंकि मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है इस बाइक को चलाते हुए, एंड मैं आप लोगों को एकदम अच्छा बता सकता हूँ बिकॉज खुद एक्सपीरियंस किया इस बाइक को चला के, तो वो सारी की सारी अपनी पर्सनल ओपिनियंस बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक के पावर के बारे में, तो इसमें आप लोगों को मिलती है 124.8 सीसी की एयर कूल्ड इंजन, हाँ मेरे भाई एयर कूल्ड इंजन मिलती है इस बाइक में, तो आप लोगों को पावर में कोई कमी नहीं रहने वाली है कंपेयर टू अदर बाइक्स इन दिस सेगमेंट, तो आप लोगों को कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी काफी अच्छी लगी ये बाइक एंड इस सेगमेंट में अब तक की बेस्ट बाइक रहने वाली है। अब हम बात करते हैं इस बाइक के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो देखो बिल्ड क्वालिटी के ऊपर तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि बिल्ड क्वालिटी उतनी खास नहीं है, बट फिर भी इस सेगमेंट में ये बाइक आप लोगों को एकदम बेस्ट बिल्ड क्वालिटी देती है, बिकॉज इसमें आप लोगों को वो सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं जो इस सेगमेंट में आप लोगों को किसी भी बाइक में नहीं मिलेंगे, हाँ ट्रस्ट मी गाइस। तो आप लोग ना इतना तो थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। हम बात करते हैं इस बाइक के माइलेज के बारे में, तो माइलेज में आप लोगों को बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा बॉस, क्योंकि काफी सारे बंदे ट्रस्ट नहीं करते, तो देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। अभी जो गाइस आप मीटर देख सकते हो यहाँ पे 58 किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज ये बाइक मुझे दे रही है, बट मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, देखो ये बाइक ना मुझे 50 प्लस की माइलेज दे रही है आराम से, हाईवे पे 60 तक की दे देती है, तो आप लोग भी इसको ले सकते हो अगर आप लोगों को एक माइलेज फ्रेंडली बाइक चाहिए तो, एंड बजट में भी काफी अच्छी है बाइक, तो अगर आप लोग चूज करना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, बाकी मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। हम इस बाइक के हैंडलिंग की बात कर ले तो हैंडलिंग काफी बढ़िया है, हाँ मेरे भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 प्लस इस बाइक को चलाया है, मतलब 100 प्लस में इस बाइक को राइड किया, एंड हैंडलिंग की बात करें तो काफी अच्छे से हैंडल हो जाती है, ब्रेकिंग वगैरह काफी अच्छी है, ब्रेकिंग सिस्टम्स जो पावर ब्रेक है
बैक में आप लोगों को मिल जाती है एंड फ्रंट में आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिलती है, जो कि इसकी ब्रेकिंग सिस्टम काफी तगड़ी लगी मुझे। अगर मैं हैंडलिंग के मामले में बोलूं तो ये बाइक आप लोगों को एक बेस्ट हैंडलिंग देने वाली है एंड हैंडल्स भी काफी अच्छी होने वाली है इस बाइक में, तो आप लोग इसे बेफिक्र चूज कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में इस बाइक को लेकर, बिकॉज अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये बाइक आप लोगों को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए एंड इन 7 मंथ्स में इस बाइक को चलाकर मुझे कैसा लगा। तो देखो सच बताओ तो इस बाइक को चलाकर मुझे काफी बढ़िया लगा एंड ये जो बाइक जिस प्राइस सेगमेंट में आती है, जिस बजट में आती है ना, वो काफी बढ़िया है, बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली से आराम से अफोर्ड कर सकती है। अगर आप लोगों के पास 1,20,000 है तो आप लोग से इजीली ले सकते हो, क्योंकि इसकी ऑन रोड प्राइस 1,20,000 के आसपास है एंड एक मिडिल क्लास फैमिली आराम से इसे अफोर्ड कर सकती है। अगर आप लोगों में मतलब किसी 125 सेगमेंट में अगर आप लोगों को एक स्टाइलिश लुक चाहिए तो इस बाइक को आप चूज कर सकते हो एंड इसे 7 मंथ्स में चलाकर मुझे काफी बढ़िया लगा एंड इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को एक मतलब स्पोर्टी टाइप की बाइक चाहिए कम प्राइस में तो आप लोग इसे चूज कर सकते हो। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा चाहिए, मतलब आप लोगों को एक अच्छी क्वालिटी मतलब बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिले, सब कुछ अच्छी रहे एंड आप लोगों को माइलेज से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप लोग ना पल्सर NS125 चूज कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों के पास और भी ज्यादा पैसा है तो आप लोग यार आराम से MT15 भी चूज कर सकते हो, क्योंकि काफी अच्छी वहां पे आप लोगों को बिल्ड क्वालिटी वगैरह मिलती है एंड वहां पे इंजन की क्वालिटी भी काफी बढ़िया रहती है अकॉर्डिंग टू दिस बाइक। बट अगर आप लोगों को एक बजट में बाइक चाहिए तो आप लोग इसे चूज कर सकते हो। फैमिली के लिए चाहिए तो कभी मत लेना, फैमिली के लिए अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग साइन SP125 चूज कर सकते हो, वो भी एक बढ़िया बाइक है फैमिली के लिए। बट फैमिली के लिए ये बाइक नहीं है, बिकॉज अगर आप लोग ट्रिपलिंग करना चाहते हो तो इसे मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि ट्रिपलिंग में आप लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है का जो डबल स्टैंड है ना भाई, मेन स्टैंड वो टच होने लगता है तो आवाज करता है बम्पर पे, तो आप लोग इसे बिल्कुल भी मत लेना एंड कहते हो तो ट्रिपलिंग बिल्कुल भी मत करना, डबलिंग करो काफी बढ़िया है, आप लोगों को भी मजा आएगा। एंड अब मैं एंड में आप लोगों को यही बोलूंगा कि अगर आप लोगों के पास बजट कम है एंड 2024 में एक बेस्ट बाइक चाहिए, स्पोर्टी टाइप की बाइक चाहिए, तो आप लोग इसे चूज कर सकते हो बेफिक्र, बजट फ्रेंडली बाइक मिलती है आप लोगों को, माइलेज काफी बढ़िया है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आराम से अफोर्ड कर सकती है जैसा कि मैंने पहले भी बोला। तो अगर आप लोगों को ट्रिपलिंग भी नहीं करना है, आप लोगों को पर्सनल के लिए बाइक चाहिए, आप लोग पीछे अपनी बंदी बिठाओ या किसी को भी बिठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट आप लोग इसे ट्रिपलिंग मत करना एंड फैमिली के लिए तो बिल्कुल भी मत लेना। ओके बाय द वे एंड में मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि ये बाइक काफी बेस्ट बाइक है, इस सेगमेंट में आप लोगों को ऐसी बाइक बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, इसमें काफी बढ़िया फीचर्स वगैरह भी मिल जाती है, तो वो जानना है तो आप लोग ऊपर आई बटन में दी गई वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।